नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है खुशहाल होम गार्डनिंग में। और अभी आप अपने सामने क्रोटन का प्लांट देख रहे हैं और काफ़ी प्यारा प्लांट होता है ये, और इसको इंडोर प्लांट बोला जाता है, एक तरीके से इंडोर प्लांट होता है दोस्तों। और इसकी मैं एक वैरायटी की वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, जिन दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखी है इसकी पहली वैरायटी की, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में वीडियो इसका लिंक छोड़ दूंगा, आप वहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करोटन की इस वैरायटी के बारे में। देखिए, इसके जो पत्ते हैं इस पे येलो कलर का आप डॉटेड देख पा रहे हैं, इस तरह का इसका डिज़ाइन होता है और काफ़ी प्यारा लुक आता है इस पौधे का, ये देखिए। और इसके अंदर जो पौधे हैं वो दो लगे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। ये दो दो पौधे हैं इसके अंदर, एक किस टाइम ये रही है, दो नहीं, एक तरीके से इसको आप, हाँ दो ही है, दो तीन हैं दोस्तों, इसके अंदर तीन पौधे हैं ये। ठीक है, और इसको मैं नर्सरी से अभी 15 से 20 दिन पहले लेके आया था मैं इसको, और काफ़ी कह सकते हैं ना तो ज़्यादा महंगा है ना तो ज़्यादा सस्ता पौधा है, बट ये इंडोर प्लांट होता है, काफ़ी प्यारा पौधा है ये देखिए। ये देखिए, तो आज इसके सोइल के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इसका ध्यान रख सकते हैं उसके उसकी बात करेंगे, और कैसी सनलाइट चाहिए इसको, कैसा वाटरिंग चाहिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्रोटन प्लांट है, अगर बात करें सनलाइट की, तो इसको फिल्टर सनलाइट पसंद है, इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ठीक है, तो आप उसको सेमी शेड में रख सकते हैं, अगर इंडोर में भी प्रॉपर इंडोर नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसको शेड मिल जाए। ठीक है, जैसे जिस तरह से नर्सरी में रखा जाता है उस तरीके से आप इसको रख सकते हैं, और काफ़ी प्यारा पौधा होता है ये देखने में। तो इसको सनलाइट के, मैंने आपको बता दिया है कि तो डायरेक्ट सनलाइट इसको ना रखें, जिससे कि इसकी लीफ ख़राब ना हो। ठीक है, बात करते हैं सर दोस्तों इसकी सॉइल के बारे में। तो इसके जो सॉइल है वो आपको कोशिश करना है कि थोड़ा पोरस टाइप में बनाए इसकी सॉइल, मतलब इस तरह की सॉइल तैयार करें कि इसमें पानी ना ठहरे। ठीक है, वेल ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर आप होल भी 2 या 3 कर लीजिए, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, डायरेक्ट सनलाइट लेगा नहीं, तो उसकी जो सॉइल है ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करती है, बट इतना भी नहीं करवाना है कि ये प्रॉपर गीला ही रहे इसका जो पौधा है। ये देखिए, जैसा अभी आप देख रहे हैं इसकी जो मिट्टी है वो गीली है। ठीक है, तो ये मैंने इसको जो वाटर दिया था ये 2 दिन पहले दिया था, तो इसके हिसाब से इसको जो वाटर देना है अभी, कम से कम इसको 4 दिन वाटर नहीं देना है। तो इस हिसाब से अभी विंटर का टाइम है, तो एक हफ्ते में एक बार पानी दे दीजिए, काफ़ी रहेगा इसके लिए, ना तो इसको ओवर वाटरिंग करना है और ना ही इसको कम वाटरिंग करना है। ठीक है, और ये देखिए देखने में कितना प्यारा होता है। बात करते हैं इसके प्राइस की दोस्तों, तो इसके प्राइस का अगर मैं बताऊं, तो मैं दिल्ली से रहने वाला हूं और दिल्ली में मुझको ये पौधा 70 रुपये में मिल गया था, 70 रुपीज़ में, और काफ़ी जगह दिल्ली में जो पॉश एरिया से हैं थोड़ा ये महंगा मिलेगा पौधा, तो 100 से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो मुझे 70 रुपये में मिल गया था, जिसमें भी 70 में ही 3 पौधे लगे हुए हैं। तो अगर दिल्ली से जो लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करें थोड़ा आउटसाइड वाली नर्सरी में जाएं, जो दिल्ली के थोड़ा बाहर टाइप में होती हैं, उसमें देख लीजिए, तो वहाँ आपको ये पौधा मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात होती है इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, और अभी विंटर का टाइम है दोस्तों, तो काफ़ी लोगों के साथ शिकायत ये होती है पौधे में कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो गिरने लग जाती हैं, तो वजह क्या होती है, तो ओवर वाटरिंग होती है या आप ज़्यादा सनलाइट में रख रहे हैं। ठीक है, और विंटर के टाइम में थोड़ा सा क्या होता है, ठंड में इसको बचाना भी होता है, ज़्यादा ठंड में नहीं रखना चाहिए, तो देखिए थोड़ा धूप भी इसको हल्की फुल्की चाहिए, थोड़ा ऐसा जगह देख लीजिए जहाँ थोड़ा गर्म गर्म सा रहे अपना, ईजिली अपना रहे ये, और धूप भी मिलती रहे, ओस भी ना पड़े इसके ऊपर, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और क्रोटन प्लांट में यही खासियत होती है कि इनकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, वो काफ़ी खूबसूरत होती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं और उनको भी टक्कर दे देती हैं एक तरीके से कह सकते हैं, तो इनकी जो लीव्स होती हैं
फ्लावर जैसी ही मान लीजिए इनको, और देखने में अपने आप में एक अलग ही लुक होता है इनका। देखिए कितनी प्यारी पत्तियां हैं इसकी। दोस्तों इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी लोकेशन में इसको लगा सकते हैं, रख सकते हैं, चाहे आप राजस्थान से सही हो, चाहे आप साउथ साइड से हो, नॉर्थ साइड से हो, आप कहीं से भी हो आप इसको रख सकते हैं। बट कोशिश ये करना इसको सेमी शेड ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, और इंडोर प्लांट के होने की वजह से ये सनलाइट को ज़्यादा डायरेक्टली सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो इस वजह से आप उसको थोड़ा शेड में ही रखेंगे, ठीक है। और बात करें इसके पॉट की, तो दोस्तों मैंने इसमें पॉट जो है ये 8 इंची का पॉट है मेरा, दिखा देता हूँ आपको, ये मात्र 7 से 8 इंची का पॉट है, और 8 इंची पॉट इसके लिए 10 इंची का पॉट काफ़ी है। और अगर आप बड़े पॉट में ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो 12 इंची का पॉट ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा बड़े पॉट की इसको ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये छोटा पॉट है, छोटा प्लांट है, सॉरी। तो कैसा लगा वीडियो आपको, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो नए हैं वो मैं चाहूँगा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे।